दोस्तों आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों एक मूवी आई थी जिसका नाम मडगांव एक्सप्रेस था और इसके डायरेक्टर कुणाल खेमू थे। और इस मूवी का आज कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है डे 15 के बीच में हम ये जानेंगे। और बुक माई शो पे इस मूवी को पब्लिक ने कितना इंटरेस्ट दिया है और बुक माई शो पे ही कितना पब्लिक ने इस मूवी का टिकट बुक किया है पिछले एक घंटे में। और आपको पता होगा कि इस मूवी का जो स्टोरी था ये तीन चार दोस्तों का कहानी था जो कि बचपन से सपना देख रहे होते हैं गोवा जाने के लिए, लेकिन उनका सपना पूरा होता है जवानी में। और क्योंकि गरीबी की हालत चल रही होती है इसीलिए वो जाते हैं, जवानी आती है, जाते हैं गोवा और उसी बीच में कुछ कांड होता है, वही कहानी का स्टार्ट होता है। और आप अगर मूवी देखे होंगे तो आपको पता होगा। फिलहाल बात कर लेते हैं इसका पब्लिक ने कितना बुक माई शो पर इंटरेस्ट दिया इस मूवी को, तो वो है 25.4 के इस मूवी को पब्लिक ने इंटरेस्ट दिया है बुक माई शो पर। और इसका जो पिछले एक घंटे में जो टिकट बुक हुआ है वो है 1.66 के। ये तो मैंने आपको बता दिया बुक माई शो पे पब्लिक ने इससे क्या इंटरेस्ट दिया इस मूवी को और पिछले एक घंटे में इसका कितना टिकट बुक हुआ है। अब आपको बता देते हैं पिछले 15 दिनों में इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डे वन यानी कि फ्राइडे के दिन इसका 1.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, डे टू का 2.75 करोड़, डे थ्री 2.08 करोड़, डे फोर 2.06 करोड़, डे फाइव यानी कि ट्यूजडे 1.45 करोड़, डे सिक्स 1.02 करोड़, इसी के साथ डे सेवन यानी थर्सडे 1.02 करोड़, और इसी के साथ वीक वन का जो टोटल कलेक्शन हो जाता है 13.05 करोड़, डे नाइन 1.25 करोड़, डे टेन 1.5 करोड़, डे इलेवन सिर्फ और सिर्फ 6 लाख, डे ट्वेल्व 5 लाख, डे थर्टीन 5 लाख, डे फोर्टीन 5 लाख, और इसी के साथ वीक टू का जो इसका टोटल कलेक्शन है 5.75 करोड़, डे फिफ्टीन यानी कि आज का सिर्फ और सिर्फ 6 लाख, और ये बढ़ नहीं सकता है, इतना ही रहेगा। और टोटल इसी के साथ इसका डे 15 का जो कलेक्शन है टोटल वो है 19.85 करोड़ टोटल इसका जो कलेक्शन है। और इसका बजट तो अभी रिवील नहीं किया गया, आपको पता होगा मैंने पिछले बहुत सारी वीडियो में बताया कि ये जो ट्रेंडिंग चल गया है किसी का मूवी का बजट नहीं बताया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब ट्रोल हुए हैं, खराब मूवी बनाते हैं उसके बाद पिट जाते हैं, तो इसीलिए छुपाने के लिए कुछ तो चाहिए इसीलिए बजट नहीं बताया जाता है। तो ये तो था इस मूवी का कलेक्शन 15 दिनों का, और ये बुक माई शो का जो आंकड़ा था ये मैंने आपको बताया। और अब चलिए मैं आपके साथ अपना ओपिनियन इस मूवी के बारे में रख दूं कि ये मूवी फ्लॉप की है हिट, तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ ये मूवी फ्लॉप की है, इसका बजट नहीं बताया गया अभी बजट कितना है, और ये बताया गया नहीं अपना बजट क्योंकि ये मूवी फ्लॉप कर गई है, ये पिट चुकी है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने इस मूवी को देखा है तो बताइएगा कि आपने इस मूवी में क्या देखा। वो अलग बात है कि इस मूवी में कॉमेडी थी लेकिन जो था मिला जुला के ठीक था, लेकिन जो इसका कलेक्शन के हिसाब से देखने में ये लगता है कि ये मूवी पिट गई है, फ्लॉप की है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अच्छे मूवी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।